नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती नीलकंठ ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए अति विशेष है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष आज मैं लेकर आया हूं। आप सभी के सुझाव से काफी सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर, वर्ष 2022 शुरू होने वाला है तो केवल सिर्फ हम जानना चाहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति, फाइनेंस, धन लाभ ये कैसा रहेगा वर्ष 2022 में, डिटेल्स में हम जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा कि तुला राशि वाले व्यक्तियों का वर्ष 2022 आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कौन से महीने में धन संचय अच्छे तरीके से होगा, कौन से महीने में आपको सावधानी रखनी चाहिए, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय आपको करने चाहिए, ये सभी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, डिटेल्स में कब आपको सावधान रहना है, कब आपको फायदा होगा, कब आपको धन लाभ होगा, कब प्रमोशन होगी, सभी कुछ जानेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ तुला राशि का वर्ष 2022 कैसा रहेगा, वार्षिक राशिफल, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, चैनल पे जाके आप जरूर देखिएगा। और तुला राशि का शनि की ढैया कब समाप्त होगी, कब खत्म होगी और क्या फल देगी आपको शनि की ढैया जाते जाते, आपको क्या प्रभाव देगी आपके जीवन में, कैसे प्रभाव आपके जीवन में लेकर आएगी, ये भी मैंने वीडियो बनाई है, जाके आप चैनल पे जरूर देखिएगा, जिसका लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है, आप जाके जरूर चेक कीजिएगा कैसा रहेगा आपके लिए। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मेरा एक है कि जो भी आप कमेंट करते हैं, जो भी आपके सुझाव होते हैं, उसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूं। और मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी आप मुझसे जानना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि क्या आप जानना चाहते हैं। जब हम आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं सेकेंड हाउस, जन्म कुंडली का आपकी राशि के अनुसार सेकंड हाउस धन का, इलेवेंथ हाउस लाभ का और धन के कारक देव गुरु बृहस्पति। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्ष 2022 में तीन बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 12 अप्रैल को राहु देव वृषभ राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे, 13 अप्रैल को देव गुरु कुंभ राशि से स्व राशि में प्रवेश करेंगे मीन राशि में, और 29 अप्रैल को शनि देव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब चलिए जानते हैं तुला राशि का आर्थिक स्थिति, धन लाभ कैसा रहेगा। सेकंड हाउस में शुरुआती समय में मंगल रहेंगे धन भाव में अपने घर में, और 11th हाउस के लॉर्ड सूर्यदेव रहेंगे थर्ड हाउस में, और देवगुरु रहेंगे आपके पंचम भाव में कुंभ राशि के। सबसे पहले मैं शुरुआती समय में आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, वर्ष 2022 के जनवरी, फरवरी और मार्च मैं आपको कहना चाहता हूं, आप सेविंग करने की सोचेंगे, सेविंग्स करेंगे, आप सोचेंगे कि मैं सेविंग्स करूं ताकि मैं कल को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकूं, लेकिन इनकम यानी कि जो लाभ आपके पास आएगा उसमें आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, यानी कि इनकम उतनी अच्छे तरीके से नहीं होगी जितना कि आप चाहते हैं, यानी कि शुरुआती समय में थोड़ा मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ सकती है, थोड़ा यानी कि आपको भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ सकती है इनकम को गेन करने के लिए। और एक बात विशेष, 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल और 15 मई से लेकर 15 जून, ये दो महीने विशेष ऐसे हैं जब आपको ध्यान रखना होगा अपने खर्चों पर। वो क्यों, ऐसा क्यों, सूर्य देव दोस्तों रहेंगे छठे घर में, लाभ भाव के मालिक छठे घर में, 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक छठे घर में रहेंगे और 15 मई से लेकर 15 जून तक एट्थ हाउस में रहेंगे। अब ऐसे में क्या होगा, छठा घर रोग का और एट्थ हाउस भी जो परेशानियों का माना जाता है, यानी कि 15 मार्च से 15 अप्रैल किसी भी रोग में या स्वास्थ्य को लेकर या ऋण को लेकर या शत्रु को लेकर कहीं ना कहीं
अपने पैसे पर, अपनी सेविंग्स पर ध्यान रखकर चलना होगा। और 15 मई से लेकर 15 जून तक भी, क्योंकि बिना वजह के पैसे आपके खर्च हो सकते हैं, यानी कि ऋण परेशान आपको कर सकता है। लेकिन दोस्तों वहीं पर 15 जून के बाद जब सूर्यदेव आएंगे आपके सेकंड हाउस में, जब सूर्यदेव आएंगे आपके सेकंड हाउस में और शनि रहेंगे आपके फोर्थ हाउस में, यानी कि जून से लगाकर नवंबर तक बहुत बढ़िया आर्थिक स्थिति आपकी देखी जाएगी। वो कैसे? सूर्यदेव आएंगे आपके नाइन्थ हाउस में, फिर आएंगे आपके टेंथ हाउस में, फिर आएंगे आपके इलेवेंथ हाउस में स्वय राशि के, तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि जून से लगाकर सितंबर तक अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन मिलने की संभावनाएं भी बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप किसी गवर्नमेंट में हैं तो गवर्नमेंट में कुछ चेंज चाहते हैं, सरकारी नौकरी में कुछ चेंज चाहते हैं, तो चेंज होने की संभावनाएं भी दोस्तों दिखाई दे रही है। और इसके साथ देव गुरु बृहस्पति आएंगे आपके छठे घर में, बारहवें घर को देखेंगे। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो वहां पर कुछ ग्रोथ यानी कि कुछ अचीवमेंट मिलने की संभावनाएं आपको दिखाई दे रही है। क्योंकि जब हम आर्थिक स्थिति की बात करते हैं दोस्तों, तो करियर देखना भी जरूरी है कि आपका करियर कैसा होगा, आपका व्यापार कैसा चलेगा। पैसा आपके पास तभी तो आएगा कि जब व्यापार अच्छा होगा, जब करियर अच्छा होगा। तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है बारहवें घर में, यानी कि फॉरेन से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, यानी कि आपका मल्टीनेशनल से रिलेटेड कोई काम है, फॉरेन से रिलेटेड काम है, ऑनलाइन से रिलेटेड काम है, बाहर से पैसा आता है फॉरेन से, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एमएनसी कंपनी में नौकरी मिलने की संभावनाएं भी बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। अगर व्यापार करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं तुला राशि वाले व्यक्ति, तो जून से लगाकर नवंबर तक आपका व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वो दो महीने जो मैंने आपको बताए हैं वहां पर आपको ध्यान रखना है। शुरुआती समय में सेविंग्स होंगी लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे चलकर सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाएगा, क्योंकि अचीवमेंट्स मिलेंगी और कहीं ना कहीं आपका नेम और फेम भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अभी मैं बताता हूं क्या उपाय आपको करने चाहिए। सबसे पहले दोस्तों शनि देव का बीज मंत्र आप जरूर करें, ओम प्राम प्रेम प्रोम स शनिश्चराय नमः 108 बार। और दूसरा सूर्य देव को अर्घ आप जरूर दीजिए, सुबह सुबह उगते हुए सूरज को आप अर्घ जरूर दीजिए, जिससे कि आपका इनकम, लाभ, नेम फेम अच्छा हो। और हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य करें रोजाना। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।